स्वागत है आपका कैड कैम सी ए लर्निंग सोल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पे। स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए कैड कैम सी ए लर्निंग सोल्यूशंस एंड यहाँ पे सब्सक्राइब बटन होगा, इसे प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट वन, थर्ड प्रॉपर्टी, जेकोबियन रेशो। नाउ अगेन, अब इसका फॉर्मूला थोड़ा मैट्रिक्स टाइप में आ जाएगा। ओके, फॉर्मूला आपको यहाँ पे मिलेगा, एनसिस हेल्प में चेक करना है, यहाँ पे भी आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे आपको फॉर्मूला में डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है। ओके, जेकोबियन रेशियो जो है वो शेप पे डिसाइड होता है। मींस अगेन देखो, अब हमने एस्पेक्ट रेशियो में देखा इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए 1 था, अब यहाँ पे भी देखो जेकोबियन रेशियोज फॉर ट्रायंगल, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 1 है, एस्पेक्ट रेशियो जैसा ही इसका लिमिट रहेगा, 1 परफेक्ट है, इन्फिनिटी वर्स्ट है। ओके, अब देखो ट्रायंगल जो है इसमें मटेरियल कम हो रहा है, मींस सॉलिड मटेरियल, ये अगर फॉर एग्जांपल सॉलिड कंसीडर किया आपने, सो इसमें जैसे जैसे मटेरियल कम होगा ये जो कॉर्नर्स है ओके और एजेस है इन पे मटेरियल थिकनेस कम रहेगा, मींस इसका ब्रेक होने का चांसेस ज्यादा रहेगा ऐसे एलिमेंट्स का। ओके, मींस ये वर्स्ट क्वालिटी एलिमेंट्स होता जा रहा है। सिमिलर वे में अगर क्वाड्रिलेटरल्स है, कंसिडर करो आपके पास ऐसा रबर है कोई, ओके अगर ऐसे सॉलिड रबर है, आप दोनों साइड से ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो जल्दी ब्रेक नहीं करेगा, ऑलराइट, ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हो। उसी जगह पे आपको किसी ने ऐसा रबर दे दिया जो बीच में से कंप्लीटली कट कर दिया दोनों साइड से, एकदम थिन 1 mm 2 mm का थिकनेस है, आप इजिली उसे खींच के ब्रेक कर सकते हो फोर्स लगा के। ओके, सो यही बेसिक थियरी होता है जैकोबियन रेशो का, कि जितना यहाँ पे थिकनेस कम हो जाएगा जैकोबियन रेशो जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। ओके, एंड कई बार जैसे हमने कल देखा था क्वाड्रिलेटरल एलिमेंट ऐसे नहीं होता, ऐसे भी हो सकता है, ये दिखने के लिए तो ट्रायंगल है बट आप अगर वर्टाइसेस चेक करोगे इसके तो 4 वर्टाइसेस है इसमें। ओके, मीन्स आपका ये यहाँ पे कंप्लीट रेक्टेंगल आना चाहिए था, बट अगेन ये देखो ऑलमोस्ट हाफ जो मटेरियल है वो रिड्यूस हुआ, इसलिए इसका जैकोबियन रेशियो भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमें दिख रहा है मटेरियल रिड्यूस हुआ, ये एक्चुअल शेप इसका ऐसा होना चाहिए था बट जैसे ही ये ऐसा हुआ ये मटेरियल रिड्यूस हो गया, मीन्स अगेन इसे ब्रेक करना इजी हो जाएगा। ओके, सो ये आपको जस्ट यहाँ पे जाके चेक करना है जैकोबियन रेशियो, अगेन 1 इज परफेक्ट, मैक्सिमम 293 मीन्स ये वर्स्ट क्वालिटी एलिमेंट रहेगा। ओके, अब ये देखो ये जो एस्पेक्ट रेशियो में हमारा सेकंड एलिमेंट था ये यहाँ पे आ गया, देखो जैकोबियन रेशियो का। ओके, अगेन यहाँ पे भी हम लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है, ओके 1-1 एलिमेंट्स है। अब देखो ये भी एलिमेंट आ गया वर्स्ट क्वालिटी, जो पहले दो प्रॉपर्टीज में भी वर्स्ट क्वालिटी था। ओके, एंड यही हम लोग हेक्साहेड्रल के लिए भी चेक करेंगे। सो मैक्सिमम जैकोबियन रेशियो देखो, अब इसमें देखो डिफरेंस कितना है, इस मैशिंग से 3.9 का मैक्सिमम जैकोबियन रेशियो है एंड इस मैशिंग से 293 का मैक्सिमम जैकोबियन रेशियो है। सो इतना डिफरेंस ओनली मैशिंग टाइप क्रिएट कर सकता है, राइट? ये जस्ट प्रॉपर्टीज, आपको इसमें से लिमिट पता होना चाहिए, एस्पेक्ट रेशियो 1 to infinity, जैकोबियन रेशियो 1 to infinity, जितना 1 के पास है वो बेस्ट क्वालिटी रहेगा, इसमें भी सेम है, सॉरी एलिमेंट क्वालिटी 0 to 1, 0 वर्स्ट रहेगा, 1 परफेक्ट रहेगा। ओके, सो ये फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज है।